नमस्कार, आज हम बात करेंगे विवाह में उपजा हुआ बाधा को किस प्रकार से दूर करें। विवाह के दौरान जो विघ्न बाधा आ जाता है, हमारा कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, हमारे पास में बायोडाटा लड़का या लड़की का आ तो जाता है, समझ में भी आता है, आगे भी हम बढ़ते हैं, फिर कार्य बिगड़ जाता है, विवाह का कार्य संपन्न नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से विवाह में अगर बाधा उपजता हो तो हम अभी आपको एक दो आसान उपाय बताते हैं, उस उपाय को आप जरूर करके देखिए। साथ में हम एक दो चीज़ ऐसे भी बताएंगे इस पर में विशेष करके आपको ध्यान देना चाहिए। तो इन बातों पर में आप ध्यान दें, इस उपाय पर में आप ध्यान दें और इस उपाय को करके भी आप देखिए। हमें लग रहा है इस उपाय को आप करेंगे तो आपके विवाह में जो ये बारंबार बाधा आ रहा है ना, ये बाधा आपसे दूर हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस उपाय को पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं और आज के समय में भी इस उपाय को लोग कर रहे हैं। कितने को तो हमने बताए और करके देखे हैं, आजमा करके देखे हैं, उनका कार्य सिद्ध हुआ है, उन्होंने हमको फिर बताए हैं आ करके, तो मन में सोचे क्यों नहीं आपसे शेयर करूं इस बात को। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। देखिए सबसे पहली बात हम बताएंगे, जब आपके विवाह में बाधा आता हो तो आप अपनी कुंडली को एक बार जरूर ही अच्छे विशेषज्ञ से, जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, उनसे जांच करवावें। कभी कभार क्या होता है, जन्म कुंडली के जो सेवंथ हाउस होता है ना, सातवां भाव जिसको बोलते हैं, उस भाव के स्वामी कहीं अगर पीड़ित रहता है या वो घर ही पीड़ित हो जाए तो फिर विवाह में बाधा उपजना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को भी अपना ध्यान दें, कुंडली के ऊपर में भी आप ध्यान दें। और कुंडली में अगर पितर दोष हो तो भी विवाह जैसे कार्यों में, वैसे किसी भी शुभ कार्य में पितर दोष बाधा का कार्य करता, लेकिन विवाह जनित कार्य में जो है विशेष करके ये पितर दोष जो है वहाँ बाधा का कार्य करता है, तो उस पितर दोष को भी आप हटवाने का कोशिश करें। कुंडली में लाल किताब के अनुसार से पितर दोष जैसे कि देखा जाता है, अगर दूसरे भाव में, पांचवें भाव में या नौवें भाव में या द्वादश भाव में शुक्र बुध अगर राहु रहता है तो पितर दोष पकड़ में आ जाता है, इस कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है, फिर उसका उपाय है, उस उपाय को करना पड़ता है। तो खैर इसके लिए आप अपने पास में अगर कोई अच्छे जानकार ज्योतिष हैं तो उनसे संपर्क कीजिए या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन बातों सब पर में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब रहा सवाल तीसरी बात, जो उपाय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर सारे कार्य करके थक चुके हैं, मान लीजिए पितर दोष का भी निवारण कर चुके हैं या पितर दोष नहीं है, दूसरे ही कुछ उपाय करके आपने थक चुके हैं, फिर भी आपके विवाह का कार्य संपन्न नहीं होता, विघ्न बाधा उपजता है, तो फिर ये उपाय को आप जरूर करें। आप क्या करेंगे, प्रतिदिन, वैसे तो कम से कम 40 दिन करना चाहिए इस उपाय को, लेकिन आप इसको लंबा चलावे, कम से कम हमारे हिसाब से 3 महीना 18 दिन यानी 108 दिन तक तो चलाते ही चलें, या अगर विवाह तक चलें तो और अच्छी बात है। इस उपाय को करते चलें क्योंकि इसमें न अधिक समय आपको देना पड़ेगा न इसमें कुछ खर्चा है। आप सुबह के समय में जैसे घर का पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं ना, उसी तरह से अपने भगवान का श्रृंगार पिटार करके यानी भगवान को सजा करके पूजा करके उन्हीं के सामने में आप बैठ जाएं। कोशिश रखें अपने सामने में माता रानी का यानी दुर्गा जी का तस्वीर या मूर्ति उनका रहें, उनके सामने बैठ करके आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई माता रानी का मंदिर है तो वहाँ भी जा करके आप उनके सामने में बैठ करके कर सकते हैं, या फिर आपके घर के पास में अगर शिव मंदिर है वहाँ पर में माता पार्वती जी का स्थान बना हुआ है तो माता पार्वती के सामने में भी आप बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व घूम करके आप इस उपाय को करें। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे, जब भी करें सुबह के समय में करना चाहिए आपको, ये नहीं कि दिन में कर रहे हैं या शाम के समय में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ विधि के हिसाब से करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सुबह के समय में करें, नहा धो करके पवित्र होकर के स्वच्छ होकर के वहाँ पर में चले जाएं, लाल आसन पर में आप बैठ जाएं, वस्त्र जो भी हो चलेगा, कोई भी कलर का कपड़ा पहने हैं इसमें नहीं देखिएगा जो लाल ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लाल आसन पर में आप बैठ करके
इस उपाय को करें। रुद्राक्ष का माला अपने हाथ में ले लें। अगर आप लड़का हैं तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें, यानी इस मंत्र का जाप करें। ये जो है 21 माला कर सकते हैं, या कम से कम 11 माला तो आप कर ही सकते हैं, 11 माला करना ही चाहिए। तो लड़का के लिए कौन सा मंत्र अच्छा रहता है? तो दुर्गा सप्तशती जो है ना, जिसको चंडी पाठ बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती का पुस्तक, उसमें एक मंत्र दिया गया है, पत्निंग मनोरमांग देही मनोवृता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्निंग मनोरमांग देही मनोवृता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी इस मंत्र को आप जो हैं 11 या 21 वाला आप जप करना आरंभ कर दीजिए। अगर आप लड़की हैं तो फिर आप इस मंत्र का जाप न करें जो हम आपको पहले बताए, पत्निंग मनोरमांग देही, क्योंकि पत्निंग मनोरमांग देही लड़का के लिए अच्छा होता है और लड़कियों के लिए ये मंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुर्ते नमः। तो इस मंत्र का जाप करें। आप 11 या 21 माला अगर प्रतिदिन आप श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में जप करना आप आरंभ करेंगे तो आप देखिएगा बड़ा से बड़ा बाधा जो है आपसे दूर हो जाएगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक उपाय को और करते हैं, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, गिरजा पूजन के दौरान जो सीता जी पढ़ी थी, जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी, तो आप अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी सर्च कर सकते हैं, या आपके घर में अगर रामचरितमानस हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो वो जो मंत्र है रामचरितमानस में दिया हुआ, वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है। उसका अगर आप करते हैं तो उसको माला के हिसाब से न करें, कम से कम 7 बार करना चाहिए, नहीं तो 21 बार करना चाहिए। 7 बार या 21 बार उस मंत्र को, यानी उस चौपाई को जो है आप करते चलें। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे निश्चय ही आपके विवाह में उपजा हुआ बाधा आपसे दूर हो जाएगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। तो आप जो हैं हमारे इस बात को अच्छी तरह से ध्यान से सुन लिए होंगे और एक दूसरे को बताइएगा, जिनका काम नहीं बनता हो, जिनका काम अटक जाता हो, विवाह जनित कार्यों में बाधा आता हो, तो मुझसे आप जरूर इस बात को शेयर कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह उपाय सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राम राम।